अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बजाओ रे ढोलिया। बस अखिल बाबू, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कल सुबह इस घर की और चंदन दास की जमीन की नीलामी होगी। उसके लिए श्री किशन लाल भैया जी एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। बजाओ रे। समारोह? कौन सा समारोह? बस भोंपो दो। सभी गांव वाले हमारी बात बड़ा ध्यान से सुनो। हम बहुत खुशखबरी वाली बात बताने जा रहे हैं। मुफ्त चंदन दास का ये मकान और जमीन मिल जाएगा, एकदम मुफ्त। अरे वाह, वो कैसे भैया जी? पहले तो बीच में ना बोल के, जैसा कि वकील साहब ने कहा है कि चंदन दास के कर्जा ना चुकाने पर अदालत ने उसके घर और जमीन नीलाम होने के लिए घोषित कर दिए, तो हमने भी एक फैसला किया है। हम चंदन दास के घर और जमीन पर एक लॉटरी खेलेंगे। जिसकी जीत उसकी जमीन, जिसकी जीत उसका घर। शनलाल, हमारी बात हुई थी कल, जबान दी थी तुमने हमको, वादा किया था कि चंदन दास और उसके परिवार को कर्ज चुकाने के लिए कुछ मोहलत दोगे। अपनी जबान से मुकर रहे हो तुम? तो क्या है हुजूर, जैसे आपको दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत है ना, ऐसी हमारी भी एक बड़ी गंदी आदत है। किसको कल क्या जबान दी, क्या बोला, क्या नहीं बोला, परसों क्या बोला, कुछ नहीं पता, रह रहे के भूल जाते हैं हम सब। हुजूर, आप मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर जाइए और यहाँ हमें मुनिया टोला के लोगों का मुफ्त मनोरंजन करने दीजिए। किशन लाल, तुम ये नहीं कर सकते, हम करने नहीं देंगे तुमको ये। राजी बाबू ने, लड़की ठीक कह रही है राजीव बाबू, कानून को अपने हाथ में मत लो वरना धर लिए जाओगे। अरे ये कैसी लॉटरी है भैया जी, कोई टिकट उकट बताइएगा। भैया जी ही कहेंगे। देखिए किशन काका, एक कोर्ट कचहरी का चक्कर ना छोड़ दीजिए, थोड़ा तो इंसानियत दिखाइए, थोड़ा तो रहम कीजिए ना। माने कहाँ जाएंगे हम लोग? सड़क पे आ जाएंगे ना। पैसा कौड़ी का बात भावुकता पे नहीं चलता ना। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप जो सोच रहे हैं वो कर लीजिएगा? नहीं, आप भी पूछ लीजिए, जो गांव है ना मुनिया टोला, वो हमारा परिवार है। हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारा जमीन नीलामी करवाइएगा आप। अरे गांव का लोग नीलामी में बोली लगाएगा? कोई बोली नहीं लगाएगा, ये मुनिया टोला में ये गांव का लोग नीलामी होने ही नहीं देगा। देख लीजिएगा, आपका जो शैतानी खेल है ना, वो नहीं होने वाला है। इतना भरोसा मुनिया टोला के लोगों पर, इतना ही पहचानती हूँ यहाँ के निवासियों को, अभी दिखाता हूँ। अरे पैसों की बारिश हो रही है, मुझे नोट लूटने दे। भाई चाची, ये आप लोग का पैसा नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? चल अपना भाषण अपने पास रख। क्या कर रहे हैं? अरे पैसा पैसा होता है, तुझका ज्ञान था यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मत चिल्लाओ इन लोगों को, इन लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने नहीं वाला तुम्हारी। इन सबके लिए ना पैसा ही इनका भगवान, ये रिश्ते नाते दया धर्म इन लोगों को कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इस बार राजीव बाबू बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? लॉटरी होगा, चंदन का घर और मकान मुफ्त मिलेगा। सही बात, कल ही होगा लॉटरी। लॉटरी खेलेंगे भाई? अरे चंदन का जमीन एक नंबर है, मकान भी कम थोड़ी है। अरे गिलगितों का गांव है ये,
बात और लालच से लोग पल पल में बदल जाते हैं। पहले भी कहां हमारा साथ दिया है, चार्ज देंगे। और भैया जी, लॉटरी का टिकट वो कब मिलेगा? अबे टिकट नहीं बकलोल, इस लॉटरी में प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता? सब लोग कान खोल कर सुन लो, कल होगी चंदन दास के खेत पर एक प्रतियोगिता। 2 बीघा जमीन को जोता जाएगा बिना ट्रैक्टर के, बिना बैल के। गांव का हर परिवार इसमें हिस्सा ले सकता है, किसी भी परिवार के 2 सदस्य इसमें शामिल होंगे। 1 हल खींचेगा और दूसरा उसके साथ चलेगा। जो भी इस दौड़ में नंबर 1 आया, चंदन दास की जमीन उसकी, चंदन दास का मकान उसका। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हमारी जमीन पर किसी का हल नहीं चलेगा, कोई हल नहीं जोतेगा हमारी जमीन पर। माई मत रो, कोई फायदा नहीं है, देख रही है ना, कुछ नहीं है हम लोग के हाथ में। अरे भाऊजी, इतने जालिम भी नहीं है हम। इस प्रतियोगिता में आपके घर से कोई भी भाग ले सकता है, और अगर आपके घर से कोई जीतता है तो बेशक ले जाए अपनी जमीन वापस, ले जाए अपना घर वापस। पर हाँ, अभी ये मकान को खाली करना पड़ेगा, और ये फैसला भी कर लीजिए कि इस प्रतियोगिता में कौन भाग लेगा। ये बुढ़ा चंदन या ये निकम्मा बबलू नंदन? प्रणाम। सब हमने चलते हुआ है, हम बर्बाद किए अपना परिवार और बाप दादा की इज्जत को। परसों पुराना मकान जमीन सब बिकवा चुके हैं हम, कुल नाशक है हम। हमने चलते आज हमारा परिवार सड़क पे आ गया, भिखारी हो गए हम सब। सब हमने कुकर्मों की सजा है बाबू, हमने कुकर्मों की सजा है बाबू। इस समय ना कोसने और रोने का नहीं है, इस समय है हिम्मत जुटाने का, इस समय है साहस दिखाने का, और जो चुनौती सामने आया है ना उसका सामना करने का। डर से डरने का समय नहीं है, डर को दिखाने का समय है ना राजे बाबू। एक बार बाबूजी के खेत को देख कर आते हैं। तो उसे नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।